साथियों, अगर आप भी लखनऊ और चेन्नई के बीच में जो मैच खेला जाने वाला है, इस मैच में अपनी फैंटेसी टीम बनाना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि कुछ यूनिक टीम बना करके चलें और कुछ ऐसे खिलाड़ी हम अपनी टीम में रख करके चलें जो कि सामने वाले जो बंदे होंगे उनके टीम में बिल्कुल ना हो, और जो खिलाड़ी लेकर के चलें, जो 11 खिलाड़ी हों, वो सभी के सभी परफॉर्मेंस करके दें। क्योंकि लगातार दोस्तों आप यही देख रहे होंगे कि फैंटेसी पे तो आप टीम बनाते हैं बट कहीं ना कहीं एक से दो खिलाड़ी ऐसे हो जाते हैं जो कि फ्लॉप हो जाते हैं और उन्हीं की वजह से गाइस आपकी टीम की जो है रैंक वो अच्छी नहीं हो पाती। हालांकि इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, देखिए डाटा बेस पे तो डिस्कस करेंगे बट कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा 50% जो होगा वो प्रिडिक्शन होगा कि किस खिलाड़ी को कैसे रखना है, फर्स्ट इनिंग में किसको रखना है और सेकेंड इनिंग में किस खिलाड़ी को रखकर चलना है, कौन से यहाँ पे लोवेस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ी होंगे जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से जो किस मैच में अच्छा कर सकते हैं वो भी बात कर लेंगे, एंड चेन्नई की तरफ से गाइस जो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बन सकते हैं और आज के इस मैच में दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन किसको कर सकते हैं, कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा पॉइंट देगा, क्या पथिराना दोस्तों फिर से विकेट निकाल सकता है या शिवम दुबे फ्लॉप हो सकता है, एंड साथ साथ दोस्तों आपको पता करने के लिए लखनऊ की तरफ से बड़े सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों को सभी रखने वाले, जैसे कि क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, निकोलस पूरन, हालांकि यहां पे स्टोइनिस को भी ज्यादातर लोग रखने वाले हैं, बट ट्रम्प कार्ड कौन सा खिलाड़ी इधर से बनेगा, कुणाल पंड्या। हालांकि दोस्तों कुणाल पंड्या क्यों, क्योंकि ये मैच होने वाला है इकाना क्रिकेट स्टेडियम यानी कि लखनऊ की पिच पर 19 अप्रैल इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7:30 पर यह मुकाबला खेला जाएगा और उस वेन्यू पर कहीं ना कहीं कुणाल पंड्या ने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किया गया। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइए अगर आप इस मैच में अच्छी यूनिक टीम बनाना चाहते हैं, कौन से खिलाड़ी आज चलने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी फ्लॉप होंगे, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। स्प्लिट बैटल की बात कर लेंगे, ऐसा ऑफर लेकर के आया जो कि आपने फैंटेसी की दुनिया में अभी तक कहीं पर भी नहीं देखा होगा, मतलब कि दोस्तों एक नहीं, ना ही दो, ना ही तीन, ना ही दोस्तों पांच, पूरी की पूरी 20 टीम के आपके पैसे आपको वापस मिलने वाले हैं। कैसे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो देखना है, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे लखनऊ यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग की तरफ से आपको इस मैच की बैटिंग ऑर्डर क्या देखने को मिल जाएगी, साथ साथ दोस्तों पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन सा बॉस कितने ओवर कराएगा, एंड साथ साथ दोस्तों किस कंडीशन में हम किस खिलाड़ी को ड्रॉप करके चलेंगे, वो सारी चीजें आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए बैटिंग ऑर्डर पर और यहीं से दोस्तों हमारा गेम स्टार्ट होता है, यहीं से हम अच्छी यूनिक टीम बना करके चल सकते हैं। गलती आपकी क्या होती है, सबसे पहले गलती यह होती है कि जैसे कि मान लीजिए लखनऊ की तरफ से आपको क्या बैटिंग ऑर्डर मिला, क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ये ओपनिंग करते हैं, ओके गाइस। तीसरे नंबर के खिलाड़ी दीपक हुडा, आयुष बदोनी, मार्को स्टैनिस, निकोलस पूरन, कुणाल पंड्या जो कि दोस्तों आपको पता कि ओवर ये कराते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे मोहसिन खान जो कि मेन बॉलर्स हैं, यश ठाकुर मेन बॉलर्स हैं, बिश्नोई, एंड यहाँ पे समर जोसेफ, एंड यहाँ पे अरशद खान, क्योंकि दोस्तों अरशद खान जो है एज अ सब्स्टिट्यूट या इम्पैक्ट खेलता है, ओके गाइस। अब यहाँ पे आपने बैटिंग ऑर्डर देख लिया गाइस, ओके, एंड बॉलिंग ऑर्डर यहाँ पे स्टार्टिंग में जोसेफ, मोहसिन खान, कुणाल पंड्या स्पेल कराते हैं, ठीक है, ओवर लेकर के आते हैं, मतलब कि मान लीजिए कहीं ना कहीं 4-5-6 यानी कि पावर प्ले में दोस्तों ये बॉलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे स्टार्टिंग में, एंड इस यहाँ पे डेथ की बात करते हैं जोसेफ, एंड यहाँ पे मोहसिन खान, यश ठाकुर आपको देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों आपने यहाँ पे देखिए बॉलिंग ऑर्डर क्लियर कर लिया, अब यहाँ पे जो सामने टीम मिल रही है आपको सीएसके, इस टीम से ओपनिंग कौन कर रहा है, ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा, एंड यहाँ पे तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं अजिंक्य रहाणे, फिर डैरिल मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा जो कि दोस्तों स्पेल कराते हैं यानी कि ओवर भी कराते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, समीर रिजवी, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान, सरदुल ठाकुर, मथीसा पथराना, ठीक है, इस हिसाब से आपको इस टीम की बैटिंग ऑर्डर एंड पॉसिबल प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये चार बॉलर्स तो इनके मेन है, जडेजा भी दोस्तों 4-4 ओवर करा देते हैं, ओके। स्टार्टिंग में आपको यहां पे रहमान, सरदुल ठाकुर, तुषार देशपांडे बॉलिंग करते नजर आएंगे, डेथ में आपको रहमान, देशपांडे एंड यहां पे पथराना। अब देखिए दोस्तों यहां पे समझने वाली क्या चीज होती है कि जैसे कि आप मान चलिए एलएसजी की तरफ से आप मान चलिए यहां पे जो है ओपनिंग ऑर्डर आपने रखा क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पे आप किसको रखेंगे, रहमान को भी रखेंगे अपने टीम में, देशपांडे को बहुत कम लोग ट्राई करेंगे, सरदुल ठाकुर जो कि इस मैच में कहीं ना कहीं आपको हाईएस्ट विकेट भी निकालते हुए दे सकता है क्योंकि इसका मैचअप बढ़िया है, इसने भाई यहां पे टॉपर जैसे केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक इन जैसे खिलाड़ियों को इसने आउट भी किया T20 फॉर्मेट में गाइस। तो कहीं ना कहीं यहां पे आप दो को अगर रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं यही समझूंगा कि सीबीसी आप ना ही क्विंटन डिकॉक को करके चलिए ना ही केएल राहुल को, क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग की बॉलिंग बढ़िया है दोस्तों, ठीक है, एंड अगेन यहां पे अगर इस टीम से आप ओपनर रख रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा, अजिंक्य रहाणे को गाइस, ठीक है, तो फिर यहां पे क्या कंडीशन है सामने की, अगर हम बॉलिंग लाइनअप स्टार्टिंग करें जोसेफ, मोहसिन खान, कुणाल पंड्या, कुणाल पंड्या लगातार इस वेन्यू पर यानी कि एकाना क्रिकेट स्टेडियम में विकेट टेकर रहे हैं, मोहसिन खान भी अच्छी बॉलिंग करते हैं और स्टार्टिंग में दोस्तों ये विकेट जरूर चटकाते हैं, तो मान के लिए यहां पर रचिन रविंद्रा फिर से रिस्की हो सकते हैं, गायकवाड़ तो कहीं ना कहीं समझदारी से खेल रहा है, रचिन रविंद्रा, अजिंक्य रहाणे ये दोनों विकेट जल्दी गिर सकते हैं, अगर यहां पे आप कुणाल पंड्या को रखते हैं, मोहसिन खान को रखते हैं, तो फिर यहां से आपको एक को ड्रॉप करके चलना होगा, चाहे गायकवाड़ को दोस्तों ड्रॉप करके चलिए,
चाहे यहाँ पे रचिन रविंद्रा को, इस कंडीशन से अगर आप टीम बनाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी टीम जो है यूनिक बन जाएगी। क्योंकि गलती क्या होती है, आप स्टार्टिंग के अपने बॉलर्स भी रख लेते हैं और सामने वाली टीम से स्टार्टिंग के बैट्समैन रख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है गाइस कि वो टीम क्लैश हो जाती है, वही बॉलर्स आपके जो है आपके बैट्समैन को ही आउट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम की अपडेट अगर आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल कर दे रखा है, अदरवाइज आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस वीडियो को देखने मोर के ऑप्शन पर क्लिक करिए। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दो लिंक्स होगी, किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप फाइनली यहाँ पे दोस्तों जो है आ जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, क्या हो सकती है, किस हिसाब से यहाँ पे कंडीशन होती है, किस हिसाब से रन बनते हैं। टोटल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 10 मैचेस खेले गए आईपीएल के, जिसमें कि जो टीम पहले बैटिंग करी उसने 6 मैच विन करें और चेस करने वाली टीम ने दोस्तों 4 मैच विन करें। स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे 150 का स्कोर 3 बार बना है, 150 से 169 के बीच में दोस्तों जो है 4 बार बन चुका है, एंड यहाँ पे 170 से 189 के बीच दोस्तों ओनली जो है 1 बार बना है, 190 प्लस का भी यहाँ पे 2 बार स्कोर बन चुका है। तो कहने की सबसे ज्यादा बारी क्या बनना है, 150 से 169 के बीच में, तो पिच कहीं ना कहीं दोस्तों बैलेंसड, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा स्कोर हमें मान के नहीं चलना होगा, बहुत ही कम चांस होंगे कि यहाँ पे ज़्यादा स्कोर यानी कि 200 तक का बने, 190 तक का बने, वो बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जो बॉलर्स होते हैं वो भी गेम में होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं विकेट अच्छे खासे निकालते हैं, खास करके दोस्तों यहाँ पे इस वेन्यू पर अगर हम देखेंगे तो स्पिनर को भी 42% हेल्प है, मतलब कि जो यहाँ पे 10 मैचेस खेले गए जिस कंडीशन से यहाँ पे स्पिनर बॉलर्स ने विकेटें चटकाएंगे, साथ साथ यहाँ पे पेसर को भी ठीक ठाक विकेट मिलती है। मतलब गाइस यहाँ पे पिच आप मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैलेंस सेट होगी, बॉलर्स भी आपको अपनी टीम में रख करके चलने, बैट्समैन भी रख करके चलने, बट कौन से बैट्समैन होंगे, कौन से बॉलर्स होंगे, वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। हालांकि एवरेज स्कोर दोस्तों अभी हम अगर देखें, मान के चलिए गाइस यहाँ पे लखनऊ पहले बैटिंग करते तो 160-170 का स्कोर मान के चलेंगे, चेन्नई के पास थोड़ा सा बैटिंग लाइनअप अच्छा है, अगर वो टीम पहले बैटिंग करती तो मैं मान चलूंगा 180 तक का भी स्कोर बन सकता है फर्स्ट बैट करते हुए। एंड हाई स्कोर यहाँ पे 199 करा है, लोवेस्ट दोस्तों 108 पे टीमें ऑल आउट भी हुई हैं इस वेन्यू पर। लास्ट के मैच कुछ आपको दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे खेले गए, यहाँ पे देख सकते हैं आप LSG और DC, ठीक है, LSG टीम 167 का स्कोर कर रही है और डेली कैपिटल 170 बना करके यहाँ पे मैच को विन किया था 19वें ओवर में। हालांकि यहाँ पे दोस्तों देखिए पेसर बॉल्स को 6 विकेटें और स्पिनर को भी यहाँ पे 5 विकेट मिल गई थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो सकता है, जडेजा अच्छी विकेट निकाल सकता है, बाकी यहाँ पे कुणाल पंडे ने ऑलरेडी हाइएस्ट विकेट निकाली हुई है गाइस। और मैच यहाँ पे देख लीजिए LSG और GT, LSG जो है 163 का स्कोर और यहाँ पे गुजरात टाइटन्स 130 बना करके मैच को हार रही है। यहाँ पे इस मैच में दोस्तों पेसर बॉल्स को 10 विकेटें और स्पिनर को दोस्तों 5 विकेटें, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इस तो यहाँ पे स्पिनर बॉल्स लगातार गेम में रहे हैं, मतलब कि 42% का जो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं सुइटेबल है पिच स्पिनर के लिए, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं जडेजा हो गए, कुणाल पंड्या हो गए या जो अदर स्पिन बॉल्स मिल रहे हैं जो कि दोस्तों ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। एंड बात कर लेते हैं इस टोटल मैच जो कि आमने सामने खेले गए दोनों टीम के बीच में, अभी तक 2 ही, जिसमें कि दोस्तों लखनऊ सुपर जेंट्स ने 1 ही विन किया है और यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग ने भी 1 विन करे, हल्के हम दोस्तों दोनों टीम को नहीं रखना। हालांकि अगर हम बात करें विनिंग परसेंटेज की तो मेरा जो यहाँ पे रहेगा 60% यहाँ पे दोस्तों मैं चेन्नई को देना चाहूँगा, जो कि इस मैच के अकॉर्डिंग और प्लेयर बैटल को देखते हुए, साथ साथ बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए और दोस्तों बॉलिंग कंडीशन को देखते हुए, हालांकि यहाँ पे लखनऊ को भी मैं जो कि 40% दोस्तों देने वाला हूँ विनिंग। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आपको मिल सकता है 9 लॉस ऑफर ऑन 20 मेगा टीम्स। सबसे पहले आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने दे रखा है लिंक, डाउनलोड करिए, रजिस्टर कर लीजिए। 19 अप्रैल का जो मैच होने वाला है लखनऊ और चेन्नई के बीच, इस मैच से पहले आपको करना क्या है, ज्वाइन करना है मेगा कॉन्टेस्ट, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको मिलेगा 9 लॉस ऑफर जो कि 20 टीम पर जो भी आपकी एंट्री लगेगी वो आपको वापस कर दी जाएगी, मतलब कि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जो कि मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए मैंने बनवाया और साथ साथ दोस्तों ये मेरे लिंक से ही एक्टिवेट होगा, तो बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगाना, तुरंत डाउनलोड करना है माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को और ये 20 टीम का जो नो लॉस ऑफर चल रहा है गाइस फटाफट इसका भरपूर फायदा उठाना है। और दोस्तों यहाँ पे साथ साथ बता दूं, हर टूर्नामेंट मैच में जो है आपको फर्स्ट प्राइज ही मिनिमम 1 करोड़ का देखने को मिल जाता है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे और भी बड़े बड़े प्राइज आपको देखने को मिलेंगे। एंड गाइस यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो 20% आपको एक्स्ट्रा कैश भी मिलता है, मतलब कि दोस्तों जब यहाँ पे आप फर्स्ट डिपॉजिट करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। करना क्या होगा, आपको यहाँ पर जाकर के यूज़ करना होगा मेरा ये कूपन कोड LIFE20 और दोस्तों मान चलिए यहाँ पे 200 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपको टोटल कैश मिलेगा कितना, 240 रुपये माई 11 सर्कल अकाउंट पर। एंड साथ दोस्तों यहाँ पे 500 रुपये अगर आप डिपॉजिट करते तो आपको 600 रुपये मिलेगा टोटल कैश। एंड यहाँ पे 1000 डिपॉजिट करते दोस्तों आपको 1200 रुपये टोटल कैश मिलेगा माई 11 सर्कल अकाउंट पर। तो फटाफट दोस्तों फायदा उठा सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे आपको जो है बता दूंगा इस
मतलब कि 1500 का बोनस कैश भी मिल रहा है। तो फटाफट मेरे भाई बिल्कुल आपको टाइम गंवाना नहीं है, जाइए डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे 20 मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, जहाँ पे दोस्तों आपका लॉस बिल्कुल ही नहीं होने वाला, आपको 100% कैश बैक मिल जाएगा। ओके गाइस, एंड बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते गाइस यहाँ पे फिलहाल लखनऊ की तरफ से जो आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो गाइस इस टीम से कितने खिलाड़ी अपने फैंटेसी टीम में रखकर चल सकते हैं दोस्तों, इस टीम का जो है वेन्यू भी होम ग्राउंड है, मतलब कि एकाना क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर इस टीम ने कई सारे मैचेस खेले। हालांकि इस टीम का रिसेंट फॉर्म आपने देखा है, कहीं ना कहीं इस टीम का परफॉर्मेंस इस वेन्यू पर बढ़िया है, और हालांकि ऐसा नहीं कि ये टीम इस वेन्यू पर हारी नहीं है। अगर हम बात करें क्विंटन डिकॉक की, तो रिसेंट अगर आप देखेंगे तो 3 मैच लगातार ये खिलाड़ी फ्लॉप चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 81 और 54 की हाइस पारी रही है इस सीजन की। बाकी अगेन अगर देखेंगे चेन्नई के, तो 13 मैच है, 335 रन है, 61 का हाई स्कोर है, 25 का औसत है, वेन्यू पे 4 मैच 95 रन है, और दोस्तों यहाँ पे 23 का औसत है और 54 रन की हाइस पारी है, जो कि दोस्तों ये वाली ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 54 का हाई स्कोर है, बाकी भाई 4 मैच में 95 रन कुछ ठीक नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसको क्या करना है, हमें सीवीसी नहीं करके चलना, ओनली आप टीम में ही अपने पिक करके चल सकते। खास करके चेस करते हुए क्विंटन डिकॉक अच्छे रन बनाता है, 32 का औसत है ओवरऑल आईपीएल मैचेस में, और फर्स्ट इनिंग दोस्तों 28 का औसत है। तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में आप टीम में रखिए, बट सीवीसी का रिस्क नहीं लेकर के चलना, क्योंकि दोस्तों सामने वाली टीम से भी कहीं ना कहीं आप पथिराना मुस्तफिजुर रहमान को ट्राई करना चाहते हैं, पांडे भी कहीं ना कहीं अच्छे विकेट ले रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों फ्लॉप के चांसेस भी बन सकते, क्योंकि दोस्तों इस वेन्यू पर इसने एक ही हाईएस्ट पारी खेली गई ठीक है। केएल राहुल की बात कर लेते हैं, तो लगातार अच्छी कंसिस्टेंट बैटिंग, 39 और 39, 33 और 20 और 15 गई, यहां पे 58 रन की पारी। हालांकि चेन्नई के केस में 13 मैच खेले, 455 रन बनाए, 98 का हाई स्कोर है, 35 का औसत है, वेन्यू दोस्तों 8 मैच में 272 रन, 74 का हाई स्कोर है, और गाइस यहां पे जो है 34 का औसत भी। तो कहीं ना कहीं केएल राहुल का अनुभव बढ़िया यहाँ पे, तो इस खिलाड़ी के ऊपर आप थोड़ा सा भरोसा करके चल सकते हैं। कैप्टन एंड दोस्तों वाइस कैप्टन का यूनिक आपको देखने को भी मिल सकता है, हालांकि इस मैच में इसको कोई ट्राई नहीं करने वाला, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये अच्छे रन भी बना सकता है, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास थोड़ा सा अनुभव ज़्यादा है क्विंटन डिकॉक को देखते हुए, क्योंकि दोस्तों क्विंटन डिकॉक ऐसा खिलाड़ी को हिटिंग करने के लिए सोचता है, भले दोस्तों विकेट इसकी जल्दी गिर जाए, बट केएल राहुल कहीं ना कहीं कप्तानी पारी इस मैच में मुझे लग रहा है कि अच्छे रन बनाएगा, और साथ साथ दोस्तों इस टीम के लिए कहीं ना कहीं ये मैच भी जीतना बढ़िया होगा, और साथ साथ ये जीतना भी चाहेगी टीम दोस्तों। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं केएल राहुल का बढ़िया रोल आपको देखने को मिल सकता है। दीपक हुड्डा की बात करें तो गाइस अगर हम रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे तो उतना खास नहीं रहे, हालांकि चेन्नई के केस में 11 मैच 140 रन 62 रन की हाई स्पारी इन्होंने खेली है, 22 का औसत है, वेन्यू पर अगर हम बात करते गए तो पूरी तरीके से फ्लॉप है, 7 मैच में ओनली 44 रन ही बनाए, जिसमें दोस्तों 6 का औसत है। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा कि आप जो है गाइस इस खिलाड़ी के ऊपर रिस्क लीजिएगा ड्रॉप करने का। गाइस ड्रॉप तो सभी लोग कर रहे हैं, बट अगर आप टीम में रखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ छोटी टीम में रख सकते हैं, जैसे कि 3 से 4 मेंबर या दोस्तों स्मॉल लीग में। अगर आप रखना भी चाहते हैं गाइस तो फर्स्ट बैट करते हुए ही रखेगा, क्योंकि 27 का औसत यानी कि फर्स्ट बैट करते हुए अच्छा खेलता है, और चेस करते दोस्तों कहीं ना कहीं बैटिंग गड़बड़ा जाती है, 13 का औसत है। आयुष भदौनी एज अ ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी अभी भी सिलेक्शन कम है, इस मैच में आपको कुछ अच्छा करके दे सकता है। देखिए 29 और यहाँ पे 55 20, दोस्तों ये कंडीशन कब होगी जब हम क्विंटन डिकॉक को सीवीसी नहीं ट्राई करेंगे, दीपक हुड्डा को ग्रैंड लीग से ड्रॉप करेंगे, तो आयुष भदौनी आपके जीएल का पिक हो सकता है गाइस। कब देखिए आप जो इनके गेन है वो भी रन बढ़िया है चेन्नई के, 3 मैच में 101 रन है, 33 का औसत है, 59 रन की हाई स्पारी भी है, ग्राउंड पे दोस्तों ये खिलाड़ी बढ़िया खेलता है, 9 मैच में 177 रन है, और दोस्तों 59 का स्कोर है, 19 का औसत भी है। तो गाइस कहीं ना कहीं आपको 20 से 25 रन इस मैच में भी जो है दोस्तों दे सकता है। खास कर अगर हम बात करें टीम सिलेक्शन की, तो जब ये टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आप उस कंडीशन में आयुष भदौनी को ले सकते हैं एज अ ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी। मार्कस स्टोइनिस की बात कर रहे थे गाइस तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी ऐसा है कि सभी मैचेस में बॉलिंग नहीं कर रहा, बाकी रिसेंट फॉर्म यहाँ पे देखिए 10 8+0 58 रन की पारी, 24+1 19, एंड अगर हम बात करें चेन्नई के गेस में 6 मैच में 84 रन है, एंड 214 का औसत है, वेन्यू पे 10 मैच 230 रन, 23 का औसत है, और इस ग्राउंड पे दोस्तों 89 रन की हाई पारी भी है। तो कंडीशन ठीक है इस खिलाड़ी की, बाकी ज्यादा लोगों की टीम में रहेगा। तो अगर आप इस खिलाड़ी ये बड़े सिलेक्शन वाला खिलाड़ियों का इस खिलाड़ी को अगर आप ड्रॉप करने का रिस्क लेते हैं तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं भदौनी को एज अ ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हमने पिक कर रखा है ठीक है। अगर आप भदौनी को नहीं रखते तो फिर स्टोइनिस, बट दो में किसी एक का सिलेक्शन अगर आपके लिए देखेंगे तो वो भदौनी वाला बढ़िया होगा दोस्तों, क्योंकि वो खिलाड़ी कहीं ना कहीं कम लोगों की टीम में होगा, और उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टोइनिस ने भी इस सीजन कुछ खास किया नहीं दोस्तों। निकोलस पुरन की बात कर लेते हैं, 45 और 0 32 40, यहाँ पे 42 64 गेस, अगेन अच्छे रन है, 8 मैच में 192 रन बनाए इन्होंने, जिसमें 224 का औसत है, हाई स्पारी 64 की है, एंड एक अर्धशतक भी दोस्तों इन्होंने लगाया, वेन्यू पे 10 मैच है, 159 रन है, और दोस्तों 15 का औसत है, और खास करके इन्होंने 42 रन इस वेन्यू पर हाई स्पारी के लिए वाई दोस्तों ठीक है। तो देखिए ये खिलाड़ी कहने के सीवीसी के लिए अच्छा है,
बट दोस्तों थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि इसको बैटिंग बहुत नीचे मिलती है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि अगर हम केएल राहुल पे भरोसा कर रहे हैं कैप्टन के लिए, तो फिर दोस्तों अगर वो अच्छे रन बना जाते 10 ओवर अगर यूं ही गुजर जाते 10 से 15 ओवर, तो भाई ये खिलाड़ी फिर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वाइस कैप्टन के लिए ठीक नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप टीम में रखकर चलिएगा। हालांकि बढ़िया खिलाड़ी है, आपको चेस करते हुए ज्यादा रन बनाते हुए दिखाई दे सकता है निकोलस पूरन। ओके गाइस, एंड फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहां पे जो ट्रंप कार्ड खिलाड़ी हो सकता है कुणाल पंड्या। इस खिलाड़ी का सिलेक्शन बिल्कुल ना के बराबर है गाइस, क्योंकि ये लगातार यहां पे दो मैचेस से फ्लॉप चल रहा है। बाकी उससे पहले यहां पे फ्लॉप है। हालांकि यहां पे 3 विकेट हाईएस्ट थी गाइस, लेकिन 13 मैच है जिसमें दोस्तों 7 विकेटें भी हैं एंड 139 रन भी है वेन्यू पे। 10 मैच में 9 विकेटें और खास करके दोस्तों 201 रन भी। इस वेन्यू पर दोस्तों लगातार अगर हम देखेंगे तो ये वेन्यू पे जो विकेटें हैं गाइस इसी वेन्यू की, तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में कुणाल पंड्या आपको 1 से 2 विकेट दे करके जा सकता है इस मैच में। क्योंकि इस स्पिनर के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं पिच आप देख रहे हैं जो कि यहां पे ओवरऑल जो लास्ट के मैचेस खेले गए दिखाया, तो उस कंडीशन में कहने के स्पिनर यहां पे गेम में रह सकते हैं गाइस। तो कुणाल पंड्या एक ट्रम्प कार्ड होगा गाइस। ट्रम्प कार्ड कब होगा? जब आप जो है स्टोनिस को पूरी तरीके से सोच रहे हो कि यार वो फ्लॉप होगा या ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप उसको रखते भी हैं तो उस कंडीशन में भी ये खिलाड़ी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि बैटिंग भले ही ना मिले बट दोस्तों कहने के ये बॉलिंग तो कराएगा, 2 से 3 ओवर तो इस मैच में करा सकता है। मोहसिन खान की बात करते हैं, लगातार देखिए 2 विकेट और यहां पे 1 और यहां पे 1, 2, 3 गाइस, अच्छा बॉल्स है। हालांकि गेंद दोस्तों एक मैच है जिसमें 0 विकेट है, वेन्यू पे 3 में 3 विकेट है, बट दोस्तों दो ग्रांड लीग टीम बना दे तो एक टीम में ही रखकर चलेगा मोहसिन खान, क्योंकि सामने टीम का बैटिंग लाइनअप भी कमजोर नहीं है। कि हिसाब से जब आपने देखा कि उस टीम ने अभी जो है मुंबई इंडियंस के गेम में खेला था तो बुमराह और क्वैडजी जैसे बॉल्स को भी कुछ खास विकेट नहीं मिली, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं मोहसिन खान सभी के टीम में रहने वाला है। तो इस खिलाड़ी के ऊपर भी आप थोड़ा सा रिस्क लेकर के चल सकते हैं ड्रॉप करने का, क्योंकि अगेन एक मैच है कोई विकेट नहीं है। यश ठाकुर की बात कर लेते हैं, 0 और यहाँ पे 1, 5, 1 और ये कंडीशन कब होती है इसकी गाइस? तो ये कंडीशन होती है जब ये दोस्तों जो है सेकेंड इनिंग बॉलिंग कर रहा था, सेकेंड इनिंग में आपको 2 से 3 विकेटें भी लेकर दे सकता है। ओके, और वे नहीं पे तो तबाही बॉलिंग है, 2 मैच है दोस्तों 9 विकेट, ये वाली यहाँ पे विकेट निकाली जो 5 विकेट इसने निकाली होम ग्राउंड पे, वो भी सेकेंड इनिंग में। ध्यान दीजिएगा कि हालांकि आप इसको दोनों तरफ से ही ट्राई करके चल सकते हैं, और खास करके जिस टीम में मोहसिन खान को हम ड्रॉप करेंगे रिस्क लेंगे उस टीम में तो बिल्कुल कंफर्म है कि इस खिलाड़ी को लेकर चलना होगा। बिश्नोई यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 1 और यहाँ पे 0 गाइस। अगर हम बात करें लेग ब्रेक गूगली बॉल्स हैं, लेकिन दोस्तों 6 में 6 विकेट हैं, वेन्यू पे 10 में 12 विकेट हैं। एंड अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग, तो गाइस कहीं ना कहीं दोनों तरफ से विकेट टेकर रहा है, बिश्नोई के चांसेस थोड़े से मेरे टीम में दोस्तों कम हो सकते them। ओके, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हमने कुणाल पंड्या को अगर रखा तो बिश्नोई को मैं फिर ड्रॉप करके चल सकता हूँ। एंड अगेन दोस्तों समर जोसेफ जो कि कुछ खास रोल है नहीं, ड्रॉप करना चाहूंगा। अरशद खान दोस्तों ड्रॉप करके चलेंगे हम, क्योंकि दोनों अगर हम देखेंगे तो देखिए जोसेफ एक ऐसा खिलाड़ी जो कि T20 फॉर्मेट इसने खेला ही नहीं, पहला डेब्यू मैच था आईपीएल का जिसमें कि T20 फॉर्मेट कह सकते हैं, कंडीशन ठीक नहीं हुई, विकेट नहीं मिली और दोस्तों माइनस भी गया था खिलाड़ी। तो ज्यादा टीमों के साथ जाएंगे तभी थोड़ा सा रिस्क लेने की सोचेंगे, अदरवाइज मैं तो कहूंगा कि आप रिस्क मत लीजिएगा। बेंच दोस्तों यहाँ पे आपको मैट हेनरी, अमित मिश्रा, गौतम मिल जाएंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि जो सब्स्टिट्यूट वाला खिलाड़ी था अरशद खान, वो भी मैंने आपको जो है प्लेइंग 11 में देखने को यानी कि डाटा जो है स्टैट्स है वो दिखा दिए गए। एंड बात करते हैं चेन्नई की, गायकवाड यहां पर रचिन रविंद्र दोस्तों ओपनिंग करते हैं। गायकवाड देखिए यहां पे 69 की पारी, 67 की पारी, 26 और ये 46 15 10, इस हिसाब से कंडीशन है इस खिलाड़ी की बढ़िया खेल रहा है। बाकी दोस्तों लखनऊ के केस में जो थोड़ा सा बल्ला धीमा चलता, 3 मैच में 57 रन है और 19 का औसत है गाइस, वेन्यू पे एक मैच है जिसमें कि 0 ही रन है, तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो सीबीसी दोस्तों इस जो है बता दूं ये रनों को देख करके आप मत करिएगा, ओनली टीम में ही रखकर चलेगा, कहीं ना कहीं इस मैच में जल्दी भी आउट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों सामने वाली टीम के पास थोड़ा सा जो है बॉलिंग लाइनअप है और पिच का अनुभव भी है, जैसे कि मोहसिन खान हो गए, यश ठाकुर हो गए, तो वो थोड़ा सा आपको समझ करके चलना होगा। इस रचिन रविंद्र की बात कर लेते हैं, 21 और यहाँ पे 15 12 2, दो ही मैच इसके अच्छे गए थे, 37 और 46 के गेंस, बाकी यहाँ पे लास्ट अगर आप देखेंगे लगातार फ्लॉप चल रहा है। अगेन और दोस्तों पहला मैच होगा, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें अब थोड़ा सा सिलेक्शन कम होगा इसका, ठीक है, सिलेक्शन थोड़ा सा कम होगा। रचिन रविंद्र अगर मतलब मान चले इसके पहले बैटिंग करती है तो कहीं ना कहीं जगह दूंगा जब दो ग्रांड लीग की टीम के साथ चलेंगे, अदरवाइज अगर आप एक टीम बनाते हैं तो रचिन रविंद्र फिर से इस मैच में रिस्की हो सकता है गाइस। एंड बात करते हैं अजिंक्य रहाणे, 5 और यहां पे 0, 35 45 12, अगेन दोस्तों एक मैच है 0 रन है, वेन्यू पे दोस्तों मैच खेला गया था। टीम सिलेक्शन की बात करते हैं तो चांस कम रहेंगे। डैरिल मिचेल की बात करते हैं, रिसेंट फॉर्म यहां पे 17 और यहां पे 25 13 34, तो गाइस कहीं ना कहीं देखिए आपको रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डैरिल मिचेल जो कि आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं इस टीम के खिलाड़ी, तो अगर आप तीनों में से किसी एक को रखना चाहें तो रख सकते हैं। हालांकि जो ज्यादा बेस्ट हो सकता है वो हो सकता है रचिन रविंद्र गाइस, ठीक है, इन दोनों से तो बेस्ट हो ही सकता है। बाकी शिवम दुबे जो कि अच्छी फॉर्म में चल रहा है, 66 और यहाँ पे 28 45 और दोस्तों 18, ठीक है, 51 34, बढ़िया पारी खेल रहा है, अगेन दोस्तों 6 मैच से 147 रन है और जिसमें कि 23 का औसत बढ़िया कह सकते हैं, 50 की हाईस्ट पारी भी है, वेन्यू पे दोस्तों 11 मैच 250 रन एंड दोस्तों 22 का औसत है, ठीक है,
थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, हालांकि बढ़िया खेलता है क्योंकि मैंने डोमेस्टिक मैचेस भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं क्योंकि टी ट्वेंटी केस। बाकी बढ़िया खिलाड़ी आप सी सी करके चल सकते हैं क्योंकि वेन्यू और गेंद दोस्तों अर्धशतक है इस खिलाड़ी के, तो बिल्कुल आप यहाँ पे मैं कहूँगा कैप्टन वाइज कैप्टन का रिस्क ले सकते हैं यूनिक। ओके गाइस, एंड बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जडेजा की जीरो और यहाँ पे तीन, 31+0, 21+1, 7+0, 25+0। हालांकि यहाँ पे इस मैच में आपको थोड़ी सी अच्छी विकेट भी निकालते नजर आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों सात मैच हैं जिसमें कोई विकेट नहीं, हालांकि विकेट नहीं मिली, 161 रन भी हैं, 23 का औसत है। वेन्यू पे 9 मैच दोस्तों जिसमें कि 6 विकेट हैं, हालांकि 68 रन है। बाकी सीवीसी की बात करें तो वैसे करना नहीं है, बट टीम में आप ट्राई करके चल सकते हो क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों का ऑप्शन होता है, खास करके हो सकता है एक दो विकेट भी छटका जाए पिच को देखते हुए। बाकी महेंद्र सिंह धोनी बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, चांसेस कम होंगे हालांकि, क्योंकि आपके पास निकोलस पूरन, क्विंटन डिकॉक और साथ साथ दोस्तों जो है केएल राहुल का ऑप्शन है। एंड रिजवी की बात करते हैं बहुत नीचे बैटिंग है, दोनों को ड्रॉप करके आप चल सकते हैं। एंड दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं तुषार देशपांडे, यहाँ पे हाईएस्ट 3 विकेट, यहाँ पे 1 विकेट, और हो सकता है इस मैच में ये फिर से डिकॉक की विकेट चटका सकते हैं क्योंकि डिकॉक आउट ऑफ फॉर्म चले, हालांकि अगेन 4 मैच में 2 ही विकेट हैं। वेन्यू पे दोस्तों कहीं ना कहीं 12 विकेट हैं, ठीक है, और 10 मैचेस में क्योंकि डोमेस्टिक टी ट्वेंटी मैचेस भी इस ग्राउंड पे इसने खेले, बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं देशपांडे इस मैच का ट्रम्प कार्ड बन सकता है चेन्नई की तरफ से। ओके गाइस, और जो कि मैंने आपको बताया कि डिकॉक के ऊपर आप ज्यादा भरोसा नहीं करके चलिएगा। इंडिकेन यहाँ पे बात करते हैं रहमान की, 1 यहाँ पे 2, 1 और 2, 4 गेस, लगातार कंसिस्टेंट बॉल्स है, बाकी गेंद 2 में 0 विकेट है। देखिए गाइस, 2 ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जैसे कि मैंने बताया मोहसिन खान और सीएसके की तरफ से आपको मुस्तफिजुर रहमान, ये दोनों खिलाड़ी ऐसे होंगे कि आप मान चलिए कि सभी के फैंटेसी टीम में रहने वाले हैं। ओके गाइस, सभी के फैंटेसी टीम में रहेंगे, बाकी मुझे लग रहा है मुस्तफिजुर रहमान और मोहसिन खान इन दोनों में कोई तो फ्लॉप होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गाइस कहीं ना कहीं दोनों हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी भी हैं। सरदुल ठाकुर लगातार अगर हम देखेंगे तो विकेट नहीं मिली, बाकी इस मैच का ट्रम्प कार्ड बन सकता है, अच्छे खासे विकेट चटकाते हुए नजर आ सकता है, हो सकता है या फिर स्टार्टिंग का बॉल्स लेकर के आए और विकेट चटका दे, क्योंकि दोस्तों इसने जो है केएल राहुल को भी आउट कर रखा है, क्विंटन डिकॉक को और पूरन को भी आउट कर रखा है, क्योंकि दोस्तों अगेन जो है 3 मैच में 6 विकेट हैं। वेन्यू में कोई मैच नहीं, हालांकि दोनों तरफ से अच्छी बॉलिंग करते हैं, खास करके जब ये सेकंड इनिंग ये टीम सीएसके बॉलिंग कराएगी तो आपको कुछ अच्छा हेल्प इनको देखने को मिल जाएगा, मतलब विकेट ये छटकाते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी मथिसा पथराना जो कि अच्छा बॉल्स है ही गाइस, 4 यहाँ पे 3, 1 और यहाँ पे 3 गाइस, सीवीसी करके चल सकते हैं, अगेन 1 मैच में दोस्तों 2 विकेट हैं, वेन्यू पे ही मैच खेला था, कहने के दोनों कंडीशन से बढ़िया बॉलिंग करता है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो चाहे वो दोस्तों सेकंड इनिंग हो। आगे यहाँ पे बेंच की बात करते हैं तो आपको मिलने वाले हैं जो कि मुकेश चौधरी एंड यहाँ पे सिमरजीत सिंह, मोइन अली, कोई आता गाइस तो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, तो वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते गाइस बात करते हैं यहाँ पे जो हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी रहने वाले जो कि आपको इस मैच में सभी के टीम में देखने को मिल जाएंगे, जडेजा हो गए, शिवम दुबे हो गए एंड रशिन रविंद्रा, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, केएल राहुल, यहाँ पे दोस्तों पथराना। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जो रिस्की मुझे लग रहा है, मैंने बॉलिंग से तो आपको बताया रहमान, ठीक है, और यहाँ पे जो कि क्विंटन डिकॉक हो गए थोड़ा सा रिस्की है, बाकी रशिन रविंद्रा, ये दो खिलाड़ियों में से अगर आप किसी को भी थोड़ा सा ड्रॉप करने का रिस्क लेते हो गाइस तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपके पास ट्रंप ऑप्शन रहेगा, कुणाल पंड्या, ठीक है, सरदुल ठाकुर, ये दो ऐसे खिलाड़ी होंगे जो कि आपके लिए बेस्ट कर सकते हैं इस मैच में, मतलब कि ये दो में से थोड़ा सा तो आपको ध्यान देना होगा। मोहसिन खान को हमने यहाँ पे रखा है ट्रंप कार्ड, बाकी दोस्तों किस कंडीशन में रखना है वो मैं आपको बताया कि मतलब दो ग्रैंड लीग टीम में आपको एक टीम में ही रख करके चलना होगा मोहसिन खान को, ठीक है गाइस। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे बात करते हैं प्लेयर बैटल की, जो कि दोस्तों आपको एलएससी की तरफ से बैट्समैन मिल रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे क्विंटन डिकॉक, इनको मोइन अली ने 4 बार आउट किया है, बाकी सरदुल ठाकुर ने दोस्तों 2 बार लपेटा 32 गेंदों में, दीपक चहर जो कि 2 बार आउट कर चुके हैं, बाकी अगर हम बात करते हैं स्टॉइनिस की तो सरदुल ठाकुर इनको भी 2 बार आउट कर चुके हैं, मुस्तफिजुर रहमान ने दोस्तों 1 बार आउट किया है, मोइन अली ने भी 1 बार आउट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखिए सरदुल ठाकुर स्टॉइनिस को भी आउट कर रहे हैं, डिकॉक को भी आउट कर रहे हैं। केएल राहुल की बात करते हैं, इनको भी सरदुल ठाकुर ने दोस्तों 2 बार आउट किया है, और यहाँ पे तिक्सणा जो कि खेल नहीं रहे 1 बार आउट कर रहे हैं, मोइन अली भी 1 बार आउट कर रहे हैं, निकोलस पूरन को दोस्तों सरदुल ठाकुर 5 बार आउट किया 18 गेंदों में, थोड़ा सा समझने वाली बात होगी कि भाई आते ही आउट, ठीक है, ऐसा कंडीशन है, बट निकोलस पूरन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आते हैं, और सरदुल ठाकुर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग और डेथ में आपको देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं ये रन बना सकते हैं, इसलिए मैंने कहा सीवीसी आप मत करिएगा, ठीक है। एंड पथराना की बात करते हैं, 2 बार इन्होंने आउट किया इनको, दीपक चहर ने भी 2 बार आउट किया गाइस, तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने कहा कि निकोलस पूरन सीवीसी के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि पथराना और सरदुल ठाकुर दोनों ही पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको देखने को मिल रहा है। इस बात करते हैं चेन्नई की तरफ से गैकवर्ड, जो कि फिलहाल इनको जो है बिश्नोई ने 1 बार आउट किया है, बाकी कुणाल पंडे आउट नहीं कर चुके, मिश्रा ने भी आउट नहीं किया, रहाणे की बात करते हैं तो इनको कुणाल पंडे ने 2 बार आउट किया है, देखिए यहाँ पे कुणाल पंड्या बॉलिंग करे बट आउट नहीं है, धोनी की बात करते हैं बहुत नीचे हैं, एंड यहाँ पे रविंद्र जडेजा को जो कुणाल पंडे ने 1 बार आउट किया हुआ है, तो मतलब कुणाल पंडे के चांसेस दोस्तों थोड़े से बन सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं हमारी टीम का जो प्रीव्यू रहने वाला है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे जो टीम का सिलेक्शन है विकेट कीपिंग सेक्शन केएल राहुल, यहाँ पे क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, शिवम
दुबे को कैप्टन किया है, गेकवर्ड होगा टीम में, एंड यहाँ पे रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्रा, स्टोइनिस और यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान, पथिराना वाइस कैप्टन, मोहसिन खान। अब दोस्तों क्या रिप्लेसमेंट होगा जो मैंने आपको वीडियो में बताया, ठीक है गाइस, क्योंकि टीम से तो भाई आप बिल्कुल नहीं जीत सकते, बता दूं गाइस, किसी की भी टीम आप लेंगे तो यार बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में टीम क्रैश होने के 99% चांस होते हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना है, वीडियो में जो आपने सीखा, मतलब मैंने जो ऑप्शन दिए मार्कुस स्टोइनिस को हटाने के लिए, ठीक है, अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं आयुष भदौनी हो गए, कुणाल पंड्या हो गए, आपके पास ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे दोस्तों ट्रम्प कार्ड मैंने क्या बताया, सरदुल ठाकुर हो गए, है ना गाइस, और यहाँ पे देखिए मोहसिन खान और मुस्तफिजुर रहमान सभी की टीम में रहने वाले हैं, तो इस कंडीशन में कहने गए तुषार देशपांडे अच्छा पिक हो सकता है। ओके गाइस, यश ठाकुर को आप कहीं ना कहीं एलएसजी अगर सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं फर्स्ट बैट करके तो उसको रख सकते हैं, कहीं ना कहीं वो हाई विकेट टेकर बॉलर भी बन सकता है ना गाइस। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें गैकवर्ड की बात करें तो गैकवर्ड को मैं सीबीसी नहीं करूंगा, क्विंटन डिकॉक को भी आप रिस्क ले सकते हैं ड्रॉप करने का और किसी प्लेयर के ऊपर रिप्लेसमेंट के साथ, जैसे कि आप सरदुल ठाकुर को रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं क्विंटन डिकॉक आप ड्रॉप कर सके चल सकते हैं। बाकी जो लास्ट टाइम के अपडेट होंगे मेरे भाई वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले, तो ज्वाइन नहीं किया तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मैंने दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिए आसानी से, वहाँ पे आपको विनिंग टीम और लास्ट टाइम के अपडेट, पिच रिपोर्ट, कंडीशन वगैरह सब कुछ मिल जाती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चलिए मिलेंगे नई वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।